ये बीजेपी के लोग भगवान को भी कंट्रोल करना चाहते हैं, जैसे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को कंट्रोल कर रहे हैं, बीजेपी की कोशिश है कि भगवान को भी ओन कर ले। और यहाँ जितने लोग हैं ये सब लोग जानते हैं कि भगवान जब बुलाएंगे हम दौड़े चले जाएंगे, और भगवान की तरफ से किसी का बुलावा आ गया तो समझ लो कौन रोक लेगा उसको। अभी नहीं बुलाएंगे, राम भक्त के हत्यारे को राम क्यों बुलाएंगे? 5 साल मुख्यमंत्री अखिलेश यादव क्यों नहीं एक बार झांकने के लिए गए? अजमेर शरीफ चले जाएंगे, चरारे शरीफ जाएंगे, हजरतबल जाएंगे, देवा शरीफ जाएंगे, चादर भेजेंगे, चादर चढ़ाएंगे, 125 रुपये का बतासा कभी अयोध्या चढ़ाने के लिए अखिलेश यादव उनके बाप भी नहीं गए। बीजेपी के पूर्व संसदीय कार्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने अखिलेश यादव और स्वर्गीय मुलायम सिंह पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि अखिलेश यादव और उनके बाप मुलायम सिंह ने अयोध्या के राम मंदिर में कभी 1 रुपए का बतासा लेकर नहीं गए। अखिलेश यादव अजमेर शरीफ जाएंगे, चरारे शरीफ जाएंगे, चादर भेजेंगे, चादर चढ़ाएंगे और 1 रुपए का बतासा लेकर अखिलेश यादव और उनके बाप कभी अयोध्या नहीं गए। उन्हें भगवान कभी नहीं बुलाएंगे। आपको बता दें, बलिया दौरे पर रहे अखिलेश यादव ने कहा था कि जब भगवान बुलाएंगे तब उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। अखिलेश यादव का कहना है कि मुझे जब राम बुलाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। अभी नहीं बुलाएंगे, राम भक्त के हत्यारे को राम क्यों बुलाएंगे? 5 साल मुख्यमंत्री अखिलेश यादव क्यों नहीं एक बार झांकने के लिए गए? अजमेर शरीफ चले जाएंगे, चरारे शरीफ जाएंगे, हजरतबल जाएंगे, देवा शरीफ जाएंगे, चादर भेजेंगे, चादर चढ़ाएंगे, 125 रुपये का बतासा कभी अयोध्या चढ़ाने के लिए अखिलेश यादव उनके बाप भी नहीं गए। ये इस प्रकार की बातें हैं जो हिंदू समाज देख रहा है, जागृत हो गया है। कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग पूरी तरीके से राम विरोधी, राष्ट्र विरोधी, हिंदू सनातन संस्कृति विरोधी लोग हैं। इस प्रकार के लोगों को राम बुलाएंगे ही क्यों? कभी नहीं बुलाएंगे। तो जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास है वो स्वतंत्र है कि इसको आमंत्रित करना किसको आमंत्रित नहीं करना है, ये उनका अधिकार है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का या सरकार का कोई रोल नहीं है। तो वो न्यास किसको बुला रहा है किसको नहीं बुला रहा है ये उनका विषय है। जो कार सेवक लेकिन 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 वहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम का राम का दर्शन करने के लिए हमारे योगी जी जब से मुख्यमंत्री हैं पिछले 6 वर्षों में मुझे लगता है कि कम से कम 300 बार वहाँ पर गए हुए हैं। यह अभी 5 साल मुख्यमंत्री रहे, जरा अपना पिछला रिकॉर्ड भी तो देखें कि 125 रुपये का बतासा चढ़ाने भी गए, कभी गए क्या? मुलायम सिंह यादव जब चीफ मिनिस्टर थे 2006 में आतंकवादियों ने अयोध्या पे हमला किया था, बम से हमला हुआ था। कोई भी आदमी किसी के यहाँ अगर घर में आग लग जाती है, किसी को चोट पहुँच जाता है तो कोई भी कुशल क्षेम पूछने के लिए जाता है। जो हमारे रोम रोम में बसे राम हैं, जो हमारे कणकण में राम हैं, जो राजा रंक अमीर गरीब सबके हृदय में निवास करने वाले राम हैं, उन राम के जन्म स्थान पर उस मंदिर पर हमला हुआ था और मुलायम सिंह यादव एक बार पूछने के लिए नहीं गए। इस बात की पीड़ा हम सभी सनातन धर्मावलंबियों को है और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लोग जिस प्रकार की बातें बोल रहे हैं मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले समय में हिंदू समाज सनातन को मानने वाले लोग पूरी तरीके से जवाब देंगे। जो कार सेवक है, जो उनके परिजन है, उनका साफ तौर पे कहना है कि समाजवादी पार्टी को उसमें आमंत्रित नहीं किया जाए क्योंकि इन्होंने ही कार सेवकों पर गोली चलाया था। आपका निर्णय क्या है? निश्चित रूप से मानना है कि जो भी राम भक्तों का हत्यारा है और हत्या करने के बाद भी जो उस पर उल्लास व्यक्त कर रहा है, सदन के अंदर फिर से बोल रहा है कि आवश्यकता पड़ेगी तो फिर से गोली चलाएंगे, और अखिलेश यादव आज तक माफी भी नहीं मांगे हैं और फिर भी निमंत्रण, अभी एक बार उन्होंने कहा कि निमंत्रण मिला लेकिन अस्वीकार कर दिया। कार सेवक के परिवार के लोग जो कह रहे हैं वो भावनाएं हर राम भक्त की है। मैं भी एक राम भक्त के रूप में चाहता हूं कि जो भी राम के विरोध में, जिन लोगों ने राम को काल्पनिक बनाया, जिन लोगों ने 1947 से और आज तक का इतिहास उठा के देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की सरकार, जब मोदी जी की सरकार आई और सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों ने अनुरोध किया, सरकार ने अनुरोध किया कि यथाशीघ्र इस मामले का निपटारा किया जाए, हमारे जो महाधिवक्ता थे उन्होंने अनुरोध किया, कांग्रेस की ओर से 100-100 वकील खड़े किए जा रहे थे कोर्ट में कि इस मामले को लटका के रखा जाए, इस मामले को लटका के रखा जाए, मामले को हमेशा लटका के रखा जाए। कांग्रेस पूरी तरीके से राम विरोधी पार्टी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब 1947 में देश के प्रधानमंत्री बने, सोमनाथ का मंदिर जिसको मुस्लिम आक्रमणकारियों ने तोड़ डाला था,
उस मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार करा के भव्य दिव्य मंदिर बनाया था सरदार पटेल जी ने, और उसके मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में लेकर के गए थे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उसका बहुत विरोध किया था। और आज इतनी निचता पर ये लोग उतर गए हैं, कह रहे हैं कि मंदिर पूरा बना नहीं है। अरे मूर्खों को जानना चाहिए, हमारे शास्त्रों ने कहा है कि शुभ काम में कभी विलम्ब नहीं किया जाता है। मंदिर में केवल अगर गर्भगृह भी बन जाए, हमारे देश में दुनिया में लाखों ऐसे मंदिर हैं जहां पर पहले मंदिर मूर्तियां प्रकट हुई, पहले उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उसके बाद मंदिर बनता रहा। दुनिया में अनेकों ऐसे मंदिर हैं, हमारे यहाँ भी हैं, कि हम उनका गर्भगृह बना के उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके वर्षों तक दशकों तक मंदिर के भव्यता दिव्यता का काम चलता रहता है। आज रामलला को ये लोग नहीं चाहते हैं, पहले भी ये लोग चाहते थे कि रामलला टेंट में रहें, आज भी ये लोग चाहते हैं कि रामलला उस दिव्य मंदिर में विराजमान न हो। तो ऐसे लोगों को जनता जवाब देगी, हमें पूरा विश्वास है। चारों शंकराचार्य इस प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आ रहे हैं, करें कि जो है उस मुहूर्त में है, वो अभी बना नहीं है, इस पे जल्दीबाजी में इसका करना, इसलिए चारों शंकराचार्य नहीं जा रहे इस प्राण प्रतिष्ठा में, क्या कहेंगे इसको लेकर? हमारे जो हिंदू धर्म शास्त्र है उसके अनुसार जिस बात की हो रही है कि रामनवमी के समय क्यों नहीं किया जा रहा है, ये सारे कुतर्क हैं। इसलिए कुतर्क हैं क्योंकि बृहस्पति और शुक्र दोनों अस्त हो जाएंगे रामनवमी के समय, और उस समय कोई भी जो नवगृह प्रवेश होता है या प्राण प्रतिष्ठा होता है, इस प्रकार का कोई भी शुभ अनुष्ठान नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि जो हमारे विद्वान आचार्य हैं, उन आचार्यों ने बहुत ही शुभ घड़ी दिया है, और जब हम कोई भी शुभ काम करते हैं तो शास्त्रों का निर्देश है, उसमें कतई विलम्ब नहीं करना चाहिए। सबसे समीप जो शुभ तिथि मिले उस पर प्राण प्रतिष्ठा कर लेना चाहिए। इसी के लिए राम तीर्थ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास अभिनंदन का पात्र है, इतने कम समय में मंदिर का निर्माण करके और रामलला के भव्य प्रतिमा में विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान किया जाने वाला है। हम सभी लोग रोम रोम हमारा रोमांचित है, हम सभी लोग वो दिन याद करते हैं जब बाल्यकाल में संघ के निर्देश पर दीवारों पर लिखते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम लोग उसमें बाल स्वयं सेवक थे, हम लोगों को कहा गया था कि आप अयोध्या नहीं जाएंगे, 18 साल के जो ऊपर के लोग थे वही लोग जाते थे। हम लोग उस समय भृगु सायम शाखा के स्वयं सेवक थे, मैं मुख्य शिक्षक था, और हम लोगों को निर्देश था, हम लोग रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हम लोगों को निर्देश था कि हम लोग दीवारों पर गेरू से लकड़ी में हम लोग कपड़ा बांध के गेरू से लिखते थे सौगंध राम की खाते हैं हम रामलला, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और जो भी कार सेवक यहाँ से जाते थे, बिहार से आने वाले लोग, हम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते, बिहार से आने वाले लोग जब हम लोगों के शहर में या हम लोग के शिष्य मंदिर में उन लोगों को ठहराया जाता था, तो हम सभी स्वयं सेवक घर घर से उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते थे, और पैकेट में कोई अपने घर से रोटी सब्जी दिया, कोई पूरी सब्जी दिया, हम लोग निरंतर पहुंचाते थे, और फिर आगे की यात्रा पर वह लोग जाते थे। तो एक बहुत बड़ा आंदोलन, बहुत लोगों ने इसमें अपना बलिदान दिया है, उन सभी लोगों का अभिनंदन भी करते हैं। बहुत लोग महीनों महीनों अपने घर को छोड़ के रहे हैं, उनके परिवार की पत्नियां उनके बच्चे बिना बाप के महीनों महीनों गुजारे हैं, तब ये शुभ घड़ी आया है। जो विघ्न करने वाले हैं, मैं जरूर अनुरोध करूंगा कि भव्यता की ओर कण कण में राम है, और बहुत खुशी पूरे देश में। आप देख रहे हैं ना कि मिथिला में किस तरीके से राम नाम की मेहंदी, किस तरीके से कहां से पैदल जयपुर से घी आया, कहीं से कुछ आ रहा है, कहीं से कुछ आ रहा है, पूरे विश्व में लाइव टेलीकास्ट होने जा रहा है हर दूतावास में। ये नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री हैं, तभी इतना भव्यता से गगनचुंबी मंदिर बन रहा है। ये हम सभी सनातन धर्मावलंबियों का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। धन्यवाद। यूपी स्टार्ट न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।